एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रैंक 1909। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मेरी वीडियो को खूब सारा प्यार दे रहे होंगे। आज की इस वीडियो में ना ही ब्यूटी टिप्स है, ना ही कोई ब्लॉगिंग है, जस्ट एक्सपीरियंस शेयरिंग वीडियो है। ये वीडियो बनाने की वजह ये है कि इससे पहले मैंने सर्च किया था अबाउट हॉपी पोला इन रांची, तो वैसा कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिला नहीं था। तो मैं खुद इस बार रिसेंट होके आई हूँ उस जगह पे। मैंने अपने हस्बैंड का बर्थडे वहीं पे सेलिब्रेट किया था। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो रहेगा। तो जस्ट उसके बारे में है ताकि यहाँ पे लोग अगर वहाँ जाना चाहें तो कोई झिझक से ना जाए और आराम से सारा कुछ जान ले, उसके बाद जाएँ कि वो जगह उनके लिए सुटेबल है या नहीं। वीडियो में जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हॉपी पोला बार एंड डिस्को। बार नाम सुनते ही हमारे मन में तरह तरह की चीज़ें आने लगती है कि पता नहीं अंदर में लोग ड्रिंक करके इधर उधर होंगे, चाहे वहाँ पे अंदर छेड़खानी हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट उसी के बारे में इस वीडियो में बताना है। ऐसा अंदर का माहौल है और आप कितना एंजॉय कर सकते हो उस जगह पे, आपके लायक कुछ है कि नहीं है, जस्ट वो सब जानने के लिए आप ये वीडियो पूरा देखिए। एक के बाद एक मैं हर चीज़ आपका क्लियर करते जाऊँगी। हॉपी पोला न्यूक्लियस मॉल के 4th फ्लोर पर है और ये है हॉपी पोला का एंट्री गेट और इस जगह पे मैं उसका मिलती है टिकट। जब हमने उनसे एंट्री फीस के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि कपल्स के लिए 1500 है, बट आज वेडनेसडे है तो आज लेडीज नाइट है, जिस वजह से आज सिर्फ 1000 है एंट्री फी आप दोनों का। और आपने जब 1000 पे कर दिया तो आपको मिलेंगे 2 टिकट अगर कपल के हैं तो, एंड इस जगह पर मिलेगा आपको स्टैम्पिंग जो आपको एंट्री अलाउ करेगी। ये है इसकी एंट्री टिकट एंड ये है स्टैम्पिंग और ये है इसका मेन डोर। अंदर का एम्बियंस बहुत ही अच्छा है, आप आराम से जाके वहाँ एंजॉय कर सकते हो। वीडियो में तो आप देख ही रहे होंगे कि कितनी अच्छी है, चारों तरफ बाउंसर्स खड़े रहते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी गलत चीज़ वहाँ पे अलाव ही नहीं है। एंड 1000 की आप फूड या ड्रिंक ऑर्डर कर सकते हो, अगर उससे ज़्यादा बढ़ा तो आपको फिर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, बट अगर 1000 के अंदर ही है तो उससे आपका कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। और अंदर जाके ऐसा नहीं है कि आप उतना खर्च नहीं कर पाओगे, क्योंकि 1000 आपने पे किया है, जस्ट वहाँ पे अंदर में मेन्यू कार्ड में आपको फूड की रेट भी ऐसी दिखेगी कि आपको 1000 आराम से वहाँ पे खर्च हो जाएगा। तो आइए अंदर अब देखते वहाँ पर लेडी डीजे भी रहती है। बार का नाम सुनते ही मन में एक चीज़ ये आता है कि वहाँ पे स्मेल होगी या फिर कुछ अनकंफर्टेबल सा लगेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, स्मेल नहीं थी एंड स्मोकिंग एरिया अलग था। लोग वहीं पे बैठ के बिल्कुल स्मोकिंग करना अलाउ नहीं था तो लोग कर नहीं सकते थे वहाँ बैठ के, एंड अनकंफर्टेबल की बात ही नहीं थी क्योंकि बाउंसर्स थे चारों तरफ। अंदर जाके अगर आप चाहो कि आप ब्लॉगिंग कर सकते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शोर बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा सिटिंग एरिया है जो डीजे फ्लोर से थोड़ा हटके है, बट साउंड वहाँ भी है, तो ब्लॉगिंग तो आसान बिल्कुल भी नहीं था वहाँ पे, इसलिए बस हमने थोड़ा थोड़ा वीडियो क्लिप ही लिया। खूब एंजॉय किया एंड फूड की टेस्ट एंड क्वांटिटी दोनों बहुत अच्छी थी। सो आई होप यू गाइज लव दैट प्लेस। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।